हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा दो हिंदी दो पाठ 14 पानी के पानी रिवीजन अध्यापिका सालिका सिंह। आज बच्चों इस वीडियो में आपको रिवीजन कराएंगे पाठ 14 का। तो सभी बच्चों ने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने आपको ये पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। क्वेश्चन आंसर, शब्द, श्रुतलेख, एक्सरसाइज सब आपको करा दी गई है। तो सभी बच्चों ने लर्न भी किया होगा। तो बच्चों, आज एक बार मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, एक बार आपको ये चैप्टर दोबारा से रीड करा देती हूँ। उसके बाद एक छोटा सा आपका एक टेस्ट होगा, वो आप बच्चे खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं कक्षा दो नवीन पल्लव पाठ 14 पानी दे पानी का रिवीजन। पाठ 14 पानी दे पानी। पाठ से पहले पाठ में जल की उपयोगिता और पेयजल संकट को रेखांकित करते हुए इसके दुरुपयोग का वर्णन किया गया है। बच्चों, आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, तो इसमें हमें पानी को किस तरीके से बचाना चाहिए और आने वाले समय में पानी की कितनी कमी होने वाली है, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें पानी को सेव करना चाहिए। तो हमें ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। तो मैं एक बार जल्दी से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। बच्चों, पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पानी के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। बच्चों, प्रकृति में जितनी भी जीवित चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं, उन सब के लिए पानी जरूरी है। संपूर्ण मानवीय सभ्यता का विकास जल की जरूरत के कारण नदियों के किनारे हुआ है, इसलिए जल को जीवन भी कहा जाता है। उर्दू में इसे आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर, बंगला में जोल कहते हैं। संस्कृत में इसे वारी, नीर, अमृत, पेय, तोय, अंबु भी कहा जाता है। ग्रीक में क्वाश, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में ओ और केमिस्ट्री में इसे H2O कहती हैं। ठीक है बच्चों, ये इनके नाम है, क्या क्या किस लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं। और प्रकृति पर लगभग 71% भाग पर जल है, है ना। 71% प्रतिशत जो है जल है पृथ्वी पर, लेकिन पूरा जल पीने लायक नहीं होता। पूरा हम पीने लायक नहीं है कि हम उसे पी लें, केवल 6% जल ही पीने लायक होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें पानी वर्षा, तालाबों, नदियों, कुओं से मिलता है। कहाँ से मिलता है पानी हमें? वर्षा, तालाबों, नदियों, कुओं से मिलता है। वर्तमान में पूरा विश्व जल संकट के भयंकर दौर से गुजर रहा है। प्रेजेंट में अभी जो चल रहा है, तो बहुत ही भयंकर दौर से पानी की कमी के कारण हमारा देश, पूरा विश्व गुजर रहा है। तो विश्व के विचारकों का मानना है कि वर्तमान समय से भी बड़ा जल संकट सामने आने वाला है। आने वाले टाइम में बच्चों, और बहुत जल बड़ा संकट आने वाला है। अगर हम पानी को सेव नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में पर पर्सन एक इंसान को केवल 3 लीटर पानी मिलेगा, 3 लीटर। और उसी 3 लीटर में उसको नहाना भी है, खाना भी है, और जो भी काम करना है वो सब कुछ उसी में करना है, पानी पीना भी है। तो बच्चों, आने वाले संकट से बचने के हमारा उपाय यही है कि हमें अपने पानी को सेव किया जाए, हमें बचाया जाए। खाली बच्चे नल चलाकर ऐसे कुल्ला करने लगते, ब्रश करते हैं, पानी चलता रहता है। हाँ, हम कार धोते हैं तो कार पे क्या करते हैं, पाइप से पानी से धोते रहते हैं, वेस्ट जाता है पानी। बर्तन धोते हैं, पानी को ऐसे फेंक देते हैं। तो पौधों में डाल दें वो पानी, पाइप को कार से ना धोने की बजाय बाल्टी से, डिब्बे से धोएं, अपना नल बंद करके हम ब्रश करें। तो बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसे करके हम सब लोग पानी को सेव कर सकते हैं।
फुहारे से नहा के बाल्टी से मग से नहा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी में आगे सारा यही बताया गया है। तो बच्चों पानी हमारे लिए बहुत कीमती और महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ में बहाना ठीक नहीं है। आने वाले समय में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है, इसलिए इसे बचाना जरूरी है। हम अपने स्तर पर पानी को बचाकर इस संकट से बच सकते हैं। पानी का प्रयोग करते समय आप स्वयं ध्यान रखिए, दांत साफ करते समय नल को बंद रखें, टूटी हुई पाइप की मरम्मत कराएं, जहां कहीं भी खुले नल दिखे उसे तुरंत बंद करें, शावर के बदले बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें, कार की धुलाई एवं सफाई के लिए पाइप का इस्तेमाल ना करें, बाल्टी में पानी भरें, पानी से कार धोएं, घर में बचे हुए पानी को इधर उधर ना गिराएं, उसे किसी पौधे में डाल दें। सब्जियों को धोते समय बचे हुए पानी को आसपास किसी गमले में डाल दें। बरसात आने पर चौड़े मुंह वाले बर्तन में जल इकट्ठा करें। जो व्यर्थ बहेगा पल पल तो कल ना मिलेगा यह जल। अगर पानी बहता रहेगा तो हमें कल ये जल नहीं मिलेगा। तो नदियों को प्रदूषित होने से बचाएं। पानी बचाओ रे, पानी बचाओ, पानी बचेगा तो जीवन बचेगा। इसका जीवन मूल्य है, जल ही जीवन है। तो बच्चों ये बहुत एक सीरियस मैटर है, पानी को हमें बहुत सेव करना है सभी को। तो ये है इसके शब्द, एक बार एक्सरसाइज शब्द देख लेते हैं। कल्पना अनुमान, जीवित जिंदा, मानवीय मानव से संबंधित, व्यर्थ बेकार, शावर फुआरा, इस्तेमाल प्रयोग प्रदूषित गंदा होना। श्रुतलेख कल्पना प्रकृति संपूर्ण सभ्यता कन्नड़ प्रतिशत फ्रेंच व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रदूषित। बच्चों श्रुतलेख की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, इरिटेशन वर्ड है, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए सबकी। फिर है क्वेश्चन आंसर, मानवीय सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? मानवीय सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ था। संस्कृत में पानी को किन किन नामों से जानते हैं? संस्कृत में पानी को वरी, नीर, अमृत, पेट, तोय, अम्बु नाम से जानते हैं। फिर है नेक्स्ट, पृथ्वी पर कितना जल है? पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। फिर है फोर्थ, पीने योग्य पानी कहाँ मिलता है? पीने योग्य पानी वर्षा, तालाबों, नदियों, कुओं से मिलता है। तो बच्चों इसके बाद एक्सरसाइज है, वाक्य सही है या गलत, राइट रॉन्ग है ये। दांत साफ करते समय नल को खुला रखें, रॉन्ग। हमें शावर से नहाना चाहिए, रॉन्ग, गलत। टूटी हुई पाइप की मरम्मत ना कराएं, ये भी गलत। कार की सफाई के लिए पाइप का इस्तेमाल करें, गलत। ये चारों गलत है। समझिए और लिखिए, मानव का मानवीय तो दानव का दानवीय, भारत का भारतीय, संपादक का संपादकीय, पर्वत का पर्वतीय। ठीक है बच्चों, फिर चित्र देखकर उनके दो दो नाम लिखने आपको। पहला है पुस्तक, किताब, पानी, जल, पानी, पृथ्वी, धरती, पृथ्वी। इसके बाद है बच्चों सूरज, सूर्य, सूरज और सूर्य, विद्यालय और स्कूल। शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं हमें, ये गलत लिखा है इसको करेक्ट करके लिखना है, ज्यादा गलत है कैसे लिखना है ये इधर मैं आपको लिखवाऊंगी। अभी ज्यादा स्पेलिंग विश्व लिखा है, विश्व है, संकट है, संकट लिखा है संकट, अमृत अमृत, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। मौखिक प्रश्न देखते हैं, आंखों से निकलने वाले पानी को क्या कहते हैं? आंसू। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। जल में रहने वाले दो जीवों के नाम बताइए, मछली और कछुआ। हम घर में पानी को कैसे ठंडा करते हैं? फ्रिज में। और बच्चों ये पानी में खेले जाने वाले खेलों के चित्र लगाने हैं, तैराकी, वाटर पोलो, नौका दौड़। फिर है खेल, खेल में पानी रखने के पात्रों को पहचाने, उनके नाम लिखने आपको। बाल्टी है, सुराही है, जग है और बोतल है। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है।
हम छोटा सा टेस्ट करेंगे, रिवीजन टेस्ट करेंगे। इसको मैं आराम कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। पार्ट 14 है पानी रे पानी। ठीक है बच्चों, हमारा रिवीजन टेस्ट। और सिक्स्थ है हमारा प्रदूषित। तो बच्चों ये आपको आंसर लिखना है खुद अपने आप। नेक्स्ट हम यहां पर करेंगे प्रश्न उत्तर। ये 6 मार्क्स का है, प्रश्न उत्तर भी आपके 6 मार्क्स के हैं। नंबर 1 है मानवीय सभ्यता का विकास कहां हुआ। मानवीय सभ्यता का विकास कहां हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वी पर कितना जल है। पृथ्वी पर कितना जल है। थर्ड क्वेश्चन है पीने योग्य पानी कहां कहां मिलता है। पीने योग्य पानी कहां कहां मिलता है। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। तो यहां पर हम ये हो गया सेकंड 1 2 या थर्ड क्वेश्चन हम इधर करेंगे बच्चों। राइट रॉन्ग करेंगे, इसमें हमें राइट रॉन्ग करना है। फर्स्ट है हमारा दांत साफ करते समय नल को खुला रखें। दांत साफ करते समय नल को खुला रखें। आपको लिखना है ये राइट है रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, सेकंड है हमें शावर से नहाना चाहिए। हमें शावर से नहाना चाहिए। ब्रैकेट में लिखेंगे आप राइट है रॉन्ग है। थर्ड है हमारा टूटी हुई पाइप की मरम्मत ना करें। टूटी बोर्ड पे नजर आ रहे हैं आपको, हाँ जी, टूटी हुई पाइप की मरम्मत नहीं करें। ये भी आपको लिखना है राइट रॉन्ग है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे हम कार की सफाई के लिए पाइप का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा पढ़ लिखेंगे,
कार की सफाई के लिए पाइप दिखाई दे रहा ना आपको, हाँ जी, का इस्तेमाल करें। तो ये भी लिखना है आपको राइट है रॉन्ग है, ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है ना आपको, हाँ जी पूरा नजर आ रहा है। चलिए इधर हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इधर करेंगे हम, ये है बच्चे फोर मार्क्स। शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं आपको, शब्दों के शुद्ध, ये गलत लिखे हुए हैं, इन्हें करेक्ट करके आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये भी आपका फोर मार्क्स का है, 1 2 3 4 गलत लिखे हुए हैं उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। ज्यादा विषु और शंकर, ये गलत लिखे हुए बच्चों आपको करेक्ट करके लिखना है, करेक्ट करके लिखना है। अमृत अमृत, ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना है। तो बच्चों शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये भी 4 मार्क्स का है, 6 6 4 4, तो आपके 20 मार्क्स का ये रिवीजन टेस्ट हो गया है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, और ये आप टेस्ट स्वयं करेंगे। बाय।